अस्सलाम वालेकुम पीजी केटर एंड गोड ब्लॉग की जाने से तमाम व्यूवर्स को। तो नाजरीन, आपने देखा कि हमने सुबह में दिखाया था कि हमने जब सुबह में हमारे जानवरों को डाइट दी थी वो था जंतर। तो उस टाइम पे सुबह के 8:30 बज रहे थे और अभी तकरीबन 2 बज रहे हैं दोपहर के। तो हम 2 बजे जो जानवर को डाइट देते हैं हम वो आपसे वो शेयर करेंगे। तो एक दफ़ा फिर आपसे अर्ज करेंगे कि जिन भाइयों ने लाइक और सब्सक्राइब किया उनका बेहद मशहूर है। जो नए आने वाले भाई उनसे गुजारिश है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चले ठीक है, अब बगैर टाइम ज़ाया किए हम ले चलते हैं आपको हमारी छत के ऊपर जहाँ पे हमने अपना ये छोटा सा सेटअप रखा हुआ। तो चले चलते हैं, चले नाजरीन हम आपको ले चलते हैं हमारी छत की तरफ जहाँ हमने हमारा शौक रखा हुआ। तो जो भाई भी जानवर देखे माशाल्लाह ज़रूर बोलें। और हमने आपको जैसे सुबह में दिखाया था जब 8:30 बज रहे थे तो हमने जंतर डाला था जानवर को। अभी तकरीबन 2:15 हो रहे हैं तो 2:15 बजे के टाइम पे हम डालेंगे हमारे जानवर को दाना। तो इंशाल्लाह वो दाना आपको दिखाएंगे भी और नेक्स्ट वीडियो में आपसे बताएंगे भी कि दाने में हम क्या क्या चीज़ मिक्स करवाते हैं, दाना हम अपना बनवाते हैं तो आपसे वो भी शेयर करेंगे। तो नाजरीन हम आ गए छत पर, हम आपको दिखाते हैं जो हम दाना अपने जानवरों को देते हैं। जैसा कि नाजरीन आपको ये पीछे दिख रहा होगा केज, ये हमने स्पेशल जो है जानवरों के फीड के लिए ही रखा है। जो बाहर से हम दाना परचेज करते हैं उसको मिक्स करवा के इन डब्बों के अंदर महफूज कर लेते हैं ताकि ये मिट्टी वगैरह से महफूज हो जाए। इसको अंदर से भी आपको दिखाएंगे कि हम क्या ये जो फीड इसमें हम रखते हैं किस तरीके से महफूज करते हैं, ये भी दिखाएँगे आपको। तो चले हम आपको इसको अंदर से भी डिलीट करा दें। चले नाजरीन हम आपको इसका अंदर से विजिट करवाते हैं केज का। जो केज अंदर से हमने इसको फीड के लिए जो रखा हुआ है आप देख सकते हैं, ये फीड हमारी जो है हम जो हमारे करीबी दाने वाला उससे हम मिक्स करवा के इस तरीके से कट्टे हमारे बच्चे लेके आ जाते हैं। और ये इस ड्रम में हम जो ये दाने जो फीड है इसकी बकरों की इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, तो डब्बे के अंदर भी दिखा देते हैं आपको। ये देखें आप, देखें ये सबसे हमारा शौक है इसमें, ये हमने शौक में ही रखा हुआ है, ना तो कोई हम कोई सेल परचेस का काम करते हैं। अब आप देख सकते हैं हम शौक में कितनी मेहनत करते हैं ये। तो जो भाई देखने वाले उनसे यही गुजारिश है कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो और जानवर को जैसे देखें माशाल्लाह ज़रूर बोलें। ये देखें आप ये दाना। तो ठीक है, अब हम आपको लिए चलते हैं हम बकरों की, जब हम बकरों को दाना डालते हैं। चलो तो हम नाजरीन को दिखाते हैं ये जो हमने दाना डाला है हमारे जानवरों को, नाजरीन को दिखाते हैं। जो भी देखने वाले उनसे गुजारिश है माशाल्लाह ज़रूर बोले जानवर को। देखें, देख सकते हैं माशाल्लाह जानवर ये फिर आसानी से खा रहे हैं। ये देखें, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह। देखने वाले से गुजारिश है माशाल्लाह जरूर बोले जानवर को देख के। ये अभी हमारे तकरीबन 2:15 बज रहे हैं दोपहर के। इससे पहले जो हमने वीडियो में दिखाया था वो सुबह 8:30 बजे का हमने बताया था। तो 8:30 बजे हम जंतर डालते जानवर को। ये माशाल्लाह से अभी हमारा दाने का टाइम हुआ तो हमने इनको दाना दिया। अब इसी तरीके से रात में तकरीबन 10 बजे के टाइम पे हम फिर इनको दाना देंगे तो फिर वो भी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अब रात में जो हम दाना देते हैं वो थोड़ा वो चेंज है, वो भी दिखाएंगे आपको। देखने वाले से गुजारिश है कि माशाल्लाह ज़रूर बोले और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह से देखें, ये हमारे होम ब्रीड के बच्चे हैं दोनों। ठीक है, एक ये खस्सी है, ठीक है, ये इंशाल्लाह हमने इस ईद के लिए तैयार किया वो है। एक ये हमारा ब्रीडर के लिए है और ये बच्चा भी खस्सी है जो हमने थर्ड व्लॉग में दिखाया था। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, और देखने वाले से गुजारिश है कि माशाल्लाह ज़रूर बोलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और जिन भाई ने लाइक और सब्सक्राइब किया उनके बहुत मशहूर हैं। आप इसी तरीके से मोहब्बत देंगे तो इंशाल्लाह नई नई चीज़ें लेके आएंगे, नई नई वीडियो बनाएंगे, नई नई मालूमात हासिल करेंगे, आपसे भी शेयर करेंगे जो हम
हमें मालूम हासिल होगी, हम हमारे नादिन से भी शेयर करेंगे। तो अब हम निकलते हैं केस से बाहर। जैसा कि व्यूअर्स आपने देखा कि हमने अभी दोपहर के 2:15 बज रहे हैं, जो हमने दोपहर की डाइट दी हमारे जानवरों को, तो ये जो डाइट हम दोपहर में देते हैं हमने आपसे शेयर की है। वो आगे चल के इंशाल्लाह इसके बारे में भी बताएंगे हम, जो हम दाना दे रहे हैं इसमें हम क्या क्या मिक्स करवा रहे हैं। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है कराची में, तो आप देख सकते हैं कितनी कड़क धूप हो रही है। तो स्पेशल हमने ये केज बनवाए हैं इसीलिए, सर्दी गर्मी दोनों के लिए। जब सर्दी होती है तो हम इन केजों में इसके वो कवर कर देते हैं केज को, तो अभी गर्मी है तो हमने इनका एरिया खुला किया हुआ है। तो नाज़रीन आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।